धार जिले के मनावर विधानसभा की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत सिंगाना का 35 वर्ष पुराना 6 बेड का सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर करीब 15,000 व समीप के 32 गांव के इलाज का दारोमदार है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को अब तक स्टाफ नर्स, कंपाउंडर और ड्रेसर भी नसीब नहीं है। सामान्य से लेकर आपातकाल की स्थिति में यहाँ एम्बुलेंस भी नहीं है। यही कारण है कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में अधिकांश मरीजों को यहाँ से मनावर या जिला बड़वानी रेफर कर दिया जाता है। 15 पंचायतों के लोग इलाज के लिए यहाँ पहुँचते हैं। अस्पताल में चिकित्सक सहित स्वास्थ्य कर्मियों के कई पद वर्षों से खाली रहने के कारण लोगों को समुचित स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पा रही है। क्षेत्र के कांग्रेस और भाजपा के कई नेता मंत्री पद पर आसीन थे, लेकिन किसी ने भी अस्पताल में मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया। केंद्र में सामान्य चिकित्सक के कुल 2 पद स्वीकृत पद हैं। इनमें से एक पद पर ही चिकित्सक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर भूतल राठौड़ कार्यरत हैं, जबकि स्टाफ नर्स, ड्रेसर, वार्ड वाइज, स्वीपर के स्वीकृत पद वर्षों से खाली हैं। लैब टेक्नीशियन व 2 महिला स्वास्थ्य कर्मी के पद भरे हुए हैं। इनकी बड़ी आबादी में इस अस्पताल में आज तक एक महिला चिकित्सक की बहाली नहीं हुई है, जबकि यहां औसतन हर माह 30 डिलीवरी के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं प्रसव के लिए पहुँचती है। अस्पताल में न तो एक्सरे की सुविधाएं है, नहीं अस्पताल की खुद की एम्बुलेंस भी नहीं है। वाहन की व्यवस्था कर गंभीर मरीजों को रेफर कर दिया जाता है। परिजन नीलची खर्च से मरीज को अन्य अस्पताल उपचार के लिए ले जाते हैं। डीएमओ जीएस चौहान ने कहा कि सीमित संसाधनों के बीच लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। आवश्यक दवा की उपलब्धता रहती है या महिला चिकित्सक की कमी है। स्वास्थ्य कर्मियों के खाली पद पर नियुक्ति के लिए विभाग से मांग की गई है। भारतीय न्यूज के लिए मनावर से कलीम खान की रिपोर्ट। आपका नाम? डॉक्टर जीएस चौहान, सीबीओ मनावर। सर, जो सिंघाने में ड्रेसर नहीं होने की वजह से जो तकलीफ आ रही है हॉस्पिटल में, क्या वजह है सर? सिंघाना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पिछले 3-4 सालों से ड्रेसर रिटायर हुआ है, उसके बाद से ड्रेसर की पोस्टिंग नहीं हो पाई है। ऐसी स्थिति में हम दूसरे जो कर्मचारी हैं उनसे ड्रेसर का काम ले रहे हैं। ड्रेसर की पदस्थापना के लिए हमने उच्च अधिकारियों को भी अवगत करा दिया है, इस संबंध में हमने आवेदन दे दिया है। और इसके साथ साथ वहाँ पे जो सफाई कर्मी भी नहीं है, वो ठेके से उनको लगाया गया है, तो इस टाइप से वहाँ पे काम लिया जा रहा है। सर, जो प्राउट में जाके मतलब टाके लगवाना या फिर उसको वहीं से एमएलसी बनाने का क्या मामला है सर? देखिए, ये मरीज के ऊपर है, अगर वो प्राइवेट में अगर इच्छा से जाना चाहे वो बात अलग है, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ड्रेसर के अलावा अन्य स्टाफ भी है, जैसे मेडिकल ऑफिसर है, फार्मासिस्ट है और आयुर्वेद फार्मासिस्ट वगैरह है, आयुर्वेदिक महिला चिकित्सक भी है। तो ऐसी स्थिति में ड्रेसर का काम भी वहाँ पे किया जा रहा है। बाकी जो प्राइवेट का जहाँ तक सवाल है, ये मरीज के परिजनों के इच्छा के ऊपर है। नहीं सर, परिजनों को नहीं, ये जो भी बात होती है कि चलो पाल साहब के वहाँ ले चलो। नहीं देखिए, हॉस्पिटल खुला रहता है, हमारा स्टाफ भी वहीं रहता है। अब जैसे मरीज आता है तो वहीं कैंपस में स्टाफ हमारा रहता है, तो जैसे मरीज आता है तो उसको सेवा तो तुरंत दी जा रही है और सीमित संसाधन में हम बेहतर सेवा दे रहे हैं। वहाँ पे डॉक्टर भूतल राठौर भी रेगुलर रहते हैं और उनका भी काम अच्छा है, वो भी तुरंत सेवा देते हैं वहाँ पे जैसे कोई इमरजेंसी आती है तो। सर, भूतल साहब का काम तो बहुत बढ़िया है, अच्छा सा चला रहे हैं सर। एक वजह यही है कि आखिरी बात ये आती है कि सरकारी हॉस्पिटल की वजह प्राइवेट हॉस्पिटल में एमएलसी भी बनती है और वहीं टाँके लगते हैं सर। नहीं, एमएलसी तो प्राइवेट हॉस्पिटल में ऐसे कोई अधिकृत वो नहीं है डॉक्टर की एमएलसी प्राइवेट हॉस्पिटल में बना सकें। एमएलसी तो गवर्नमेंट में ही होती है, इलाज के लिए हो सकता है कि कोई प्राइवेट में जाता हो। नहीं, वो ड्रेसर की वजह से ही जाते हैं, नहीं तो नहीं जाना था। देखिए, ड्रेसर की वजह से एमएलसी बाहर होती है ऐसा नहीं है। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।